क्वेश्चन ये है कि पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स को जीरो है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो ये जो है वो ई एक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स, ठीक है। एंड वी हैव ई एक्स इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस और अगेन ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस के अलावा हम ई एक्स को कंसिडर करते हैं, तो जो ई एक्स है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, दोनों केस में के क्यूब एक्स स्क्वायर सेम आएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो देखने में कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। मतलब ये कि एक्स इक्वल टू जीरो पर ई एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और अगेन एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पे ई एक्स की वैल्यू जीरो होगी। मतलब जो कर्व है वो इन्फिनिटी पे दोनों एक्सिस को टच करेगा, दोनों एक्सिस इस कर्व के लिए एसिम्प्टोट्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस ग्राफ में प्रॉब्लम ये है कि जो ग्राफ है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है, तो ये ग्राफ हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। हमें ऐसा ग्राफ चाहिए जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी बताए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें पहले डायरेक्शन को डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अगेन नेगेटिव एक्स एक्सिस पर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव होगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब हम ग्राफ को रिड्रॉ करते हैं, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज ई एक्स, अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ई एक्स पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। अगेन नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए ई एक्स नेगेटिव है, तो अगेन जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और एक्स इक्वल टू जीरो पर ग्राफ इन्फिनिटी पर ई एक्स को टच करेगा, और अगेन एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। तो ये जो है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए ई एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के लोग मूव कर रहा है, और
उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, और अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जब नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो उसको नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ करते हैं, तो अगेन ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है। अगेन यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स कोमा ज़ीरो, हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुअर्ड द चार्ज, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जा रहा है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगेन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा, दैट इज टुअर्ड द चार्ज। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, मतलब इस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा और इस रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। तो अगेन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो नेगेटिव है तो कंफर्म है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगेन ये पॉजिटिव है तो कंफर्म है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें दोनों ग्राफ को ध्यान रखना है, और अगर हम इन दोनों ग्राफ को ध्यान में रखते हैं तो हम किसी भी चार्ज कॉम्बिनेशन के लिए ईएक्स ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें समझना सिर्फ ये है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो ग्राफ है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, मतलब नीचे से ऊपर जाता है जब हम चार्ज को क्रॉस करते हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा मूव करते हुए जब हम चार्ज को क्रॉस करते हैं तो जो ग्राफ है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के केस में ये उल्टा हो जाता है। नेगेटिव चार्ज के केस में जब हम चार्ज को क्रॉस करते हैं तो जो ग्राफ है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, मतलब जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो ग्राफ है वो नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर, ठीक है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे। तो अगर हम इसको ध्यान में रखते हैं तो हम किसी भी केस के लिए ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, थैंक यू।